इसी तरह इसकी छोटी छोटी रोटियां तैयार कर लेनी है। रोटियां मैंने तैयार कर ली है, अब इसकी पूड़ियां तैयार कर लेंगे। एक प्याली गेहूं का आटा डाल लेंगे, आधी चमची बेकिंग पाउडर, आधी चमची नमक डाल लेंगे, दो चम्मच ऑयल डाल लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं इसमें कोई भी गुठली नहीं रही। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसे सेम आटे की तरह गूंदना है, थोड़ा सा सख्त रख लेना है बस, आटे को बिल्कुल भी नरम नहीं करना। अच्छी तरह मिक्स कर लिया, अब आटे को 5 मिनट तक अच्छी तरह गूंद लेंगे। इसे गूंदना अच्छी तरह, मैंने इसे गूंद लिया, आप देख सकते हैं इसे मैंने ज़्यादा नरम नहीं किया। 10 मिनट के लिए इसे ढक्कन लगा देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, ढक्कन उतार लेंगे। आप देख सकते हैं आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसे आप कटोरे से बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा सा नीचे आटा लगा लेंगे, अब इसका रोल तैयार कर लेंगे। ऐसे इसका रोल तैयार कर लेना है, अब इसके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। इसी तरह इसके पेड़े बना लेने हैं। सबके इसी तरह बना लेने हैं पेड़े। सबके मैंने पेड़े तैयार कर लिए ने, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आटा लगा लेंगे ऐसे, अब इसकी छोटी छोटी रोटियां तैयार कर लेंगे। इसी तरह इसकी छोटी छोटी रोटियां तैयार कर लेनी है। रोटियां मैंने तैयार कर ली है, अब इसकी पूड़ियां तैयार कर लेंगे। फ्राई के लिए ऑयल लिया मैंने, ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया, अब इसमें पूड़ियां डाल लेंगे। से उल्टते पलटते ब्राउन कर लेंगे हल्का सा, पूड़ी को तैयार कर लेंगे। आप इसकी मैदे की भी, आप मैदे की भी पूड़ियाँ तैयार कर सकते हैं इसी तरीके से। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पूड़ी बनी है, इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। आप देख सकते हैं माशाल्लाह पूड़ी हमारी कितनी अच्छी बनी है। आप इसे प्लेट में डाल लेंगे, माशाल्लाह आप देख सकते हैं। सभी पूड़ियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं आटे की पूड़ियाँ हमारी कितनी अच्छी बनी हैं। आप ज़रूर इस तरीके से लाजमी बना के देखें, ये बहुत ही अच्छी बनते हैं।